आदाब के बिनस 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रविवार 2 अप्रैल की शाम को बिदर में पिस्ता हाउस मल्टी कजीन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी का बिदर के पूर्व विधायक रहीम खान के हाथों हुआ उद्घाटन। रविवार शाम को बिदर के स्टार कॉलोनी में स्थित इमानुएल मेथोडिस्ट चर्च की ओर से फार्म संडे के नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में डालेंगे डेरा, होंगी 20 रैलियां। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के खिलाफ तेलंगाना में बड़े पैमाने पर विरोध की तैयारी, कांग्रेस ने बनाई रणनीति। जहां जहां भाजपा को हार का डर, वहां हो रहे हैं दंगे, शिवसेना नेता संजय राउत ने लगाया आरोप। इंदौर के मंदिर पर चला बुलडोजर, जहां बौड़ी में गिरने से हुई थी 36 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। रविवार 2 अप्रैल की शाम को बिदर में होटल गेटवे अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप उदगीर रोड बिदर में पिस्ता हाउस मल्टी कजीन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी का शानदार पैमाने पर बिदर के पूर्व विधायक रहीम खान के हाथों उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में पिस्ता हाउस के फाउंडर अब्दुल मजीद, वजीर सेठ वतन ग्रुप, कांग्रेस नेता, बिदर जिला चुनाव पर्यवेक्षक उजमा शाकिर ने फैमिली सेक्शन का उद्घाटन किया। पिस्ता हाउस के फाउंडर अब्दुल मजीद, पूर्व विधायक रहीम खान, केपी न्यूज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयास खान, कारपोरेटर मोहम्मद गौस, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, जेडीएस के बिदर जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान ने साथ मिलकर रोजा इफ्तार किया। इस अवसर पर वजीर सेठ इफ्तिखार सेठ और पिस्ता हाउस की टीम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और उनका सम्मान किया। इस अवसर पर केपी न्यूज के चीफ एडिटर यूसुफ खान, केपी न्यूज के सीईओ समीर खान भी उपस्थित थे। पूर्व विधायक रहीम खान, वजीर सेठ, भाजपा नेता सूर्यकांत नागमरपल्ली, संतोष टारमपल्ली और दूसरों ने केपी न्यूज से बात करते हुए पिस्ता हाउस के मालिक और उनकी टीम को बधाई दी। पिस्ता हाउस के फाउंडर अब्दुल मजीद ने भी केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बिदर से ताल्लुक रखते हैं, बिदर से आप देश विदेश में वर्ल्ड फेमस, जैसे हैदराबाद की बिरयानी है उस तरह से वर्ल्ड फेमस आपकी हलीम है, तो आज आप जो है बिदर में एक ब्रांच डाले हैं, आपके होम टाउन आकर वतन को आपके आकर कैसा लग रहा है सर, और आप बिदर में और क्या क्या आप करेंगे आगे, इसके बारे में बताएं। नहीं, आगे तो बहुत कुछ करना है यहाँ पर बिदर में, और जैसे रहीम साहब जैसे MLA है तो जो हमको सपोर्ट अच्छी मिलती है, जो बिल्कुल जो है पब्लिक भी इतने फेमस है कि जो है कोई भी काम है तो रहीम साहब करते, बल्कि वो लोग बोलते हैं, तो हम भी जो है आए हैं बिदर में, साहब के एरिए में आए हैं और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे और 3-4 हम आउटलेट जो है आसपास कर्नाटक में खोलेंगे। बिदर में तो एक ही है, आसपास जैसे गुलबर्गा वगैरह में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा सर, जाफरानी चाय जो है आपकी बहुत मशहूर है हैदराबाद में, तो क्या यहाँ के लोगों को भी चाय मिलेगी, जाफरानी चाय, केसर की चाय जो है? नहीं, केसर की चाय भी मिलेगी, ब्रोस्टेड चिकन भी मिलेगी, बिरयानी भी, हलीम भी, इंशाल्लाह जो भी हैदराबाद में जो पिस्ता हाउस में जो मिलते हैं यहाँ पर मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि हम जो है तमाम हमारे बिदर के भाइयों को, जो भी हर कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम सबको सर्विस कर रहे हैं उनके, हमारे लिए खुशी की बात है। सभी को आदाब। मैं आज नियर अक्कामा देवी कॉलेज के पास, जो मेन रोड बस स्टैंड की मेन रोड हूँ, वहाँ पे हूँ। यहाँ पे वजीर सेठ का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे पिस्ता हाउस जो फेमस इंटरनेशनल लेवल, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल हमारे बिदर में आज ओपनिंग हुई है, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ माजिद भाई को जो ओनर है, और पूरी बिदर की जनता के तरफ से, और हमारी बिदर की जनता बहुत ही लकी है। ये टेस्ट, पिस्ता हाउस का टेस्ट और खाने के लिए हैदराबाद जाना पड़ता था, तो जो इंतज़ाम मेरा भी प्रेशर था वजीर भाई को कि जल्द से जल्द यहाँ पर ओपन कराइए बोल के, और माजिद भाई ओपन किए हैं। ये तो हमारे इंडिया में तो हर जगह है, और इंटरनेशनल लेवल US अमेरिका में है, लंदन में है, पूरे गल्फ कंट्री में है, पूरे इतने लंबी पट्टी है अगर कहाँ लूँ, और सबसे ज़्यादा तो पिस्ता हाउस के ओनर बोलिए। मेरी तरफ से सारी बिदर की आवाम को पिस्ता हाउस मुबारक। मेरे सारे जो है मेरे कहने के ऊपर जो है MLA साहब रहीम साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मजीद खान साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे मेहमान जो मैं बुलाया था, सारे मेहमान हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। एलू नमस्कार। इट्स अ सच ए वंडरफुल थिंग, आई थिंक फर्स्ट टाइम टू बी देयर, ए सर्टिफाइड ISO
9001-2008 सर्टिफाइड कंपनी दट इन फुड इंडस्ट्री इतर सर्टिफिकेशन आगे कंपनी पिस्ता हाउस विच इज ग्लोबल विच कंपनी इज अ ग्लोबल दे हैव गॉट प्रेजेंस इन ओमान दुबई हैदराबाद बीदर यूएस एंड दे विल ग्रो मोर वन थिंग आई वुड लाइक टू अगेन थैंक अब्दुल माज एक गुड न्यूज बहुत हम लोग कुछ खाए थे तो हैदराबाद जाकर खाते थे हम लोग हैदराबाद में बहुत फेमस है तो बिदर वाले लक्की है ऐसे जो है ना होटल्स और इतना बिजनेस आ रहा बिदर में बोले तो हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं और भगवान ऐसे ही और थोड़ा अपना शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एमएलए रहीम खान साहब का और हमारे मजीद भाई जो फाउंडर और चेयरमैन हैं पिस्ता हाउस के और हमारे गौस भाई अभी जो आए हुए इनकी माशाल्लाह से कमी महसूस हो रही थी अभी हैदराबाद से आए हुए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोग हमारे सलाम साहब है समीम साहब है और तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम बीदर के लोगों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि जो जो बेसब्री से इंतज़ार था पिस्ता हाउस का आज वो उनके लिए ओपन है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन जो जायका है पिस्ता हाउस का हमको एक बार मौका दीजिए एक बार टेस्ट करके देखिए बार बार आने को आपका दिल चाहेगा इंशाल्लाह और जो भी हैदराबाद में पिस्ता हाउस में है वो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी इंशाल्लाह आपको। रविवार 2 अप्रैल की शाम को बीदर के स्टार कॉलोनी में स्थित इमानुएल मेथोडिस्ट चर्च की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फार्म संडे के नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें यीशु मसीह का रूप धारण करके और गधे पर बिठाकर यीशु की महिमा के लिए ये कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से बताया। केएफ न्यूज़ के कैमरामैन संतोष का कवरेज। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए आज ये हम प्रोग्राम यहाँ पर एयरपोर्ट करे है और ये प्रोग्राम स्टार कॉलोनी इमानुएल मेथोडिस्ट चर्च के जानिब से किए है और ये हम प्रति साल करते हैं और इस साल जो है सो हम प्रभु यीशु मसीह को एक पुतला बनाकर एक प्रभु यीशु मसीह जैसे रहते हैं वैसे ही एक गधे के ऊपर बिठाकर उसको विज्रामणि से प्रभु यीशु मसीह ने ये किसी कार को किसी हेलीकॉप्टर किसी और कुछ भी एसी का कार उसमें नहीं आए हैं जो जो लोग भी ये गधे को नहीं चाहते हैं यीशु मसीह ने वैसे गधे को भी चाहकर उसके ऊपर बैठकर ये फॉर्म संडे बोलकर हर एक गांव में हर एक डिस्ट्रिक्ट में करते हैं उसके लिए हम मैलूर में आज यहां पर ये प्रभु यीशु मसीह का ये आज हम फॉर्म संडे बोलकर हम पूरे हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष और हमारे डीएस सर और हमारे एमडी मार्क पास्टर रेवरेंड इनके जानिब से हम पूरा ये प्रोग्राम एयरपोर्ट करे है और ये हमारा प्रोग्राम प्रति साल ऐसे ही चलता और सब लोग इसी तरह हमारे को धन्यवाद हम सब लोगों का इसी तरह हम धन्यवाद देते हैं और जनते के एल्लरिगे नमस्कार जय क्रिस इवत्तु नम्म इडी विश्वदल्लि आगंत इदु हेम्मेयवादंत नम्म क्रिश्चियन समाजिगे इदु याव तर माड्ते अंद्रे नम्म क्रिश्चियन समाजिन पाम संडे अंत नावु हेसरन्नु इट्टिद्दारे इडी विश्व इल्ल नम्म ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಶಾಂತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ 42 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು 40-50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ರವಿವಾರ ಕಾರ್ ಪಲಟನೆ ಸೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಠ್ಪುತ್ಲಿ ಕಲಾಕಾರ ನಾಡೋಸ್ ಬೆಲ್ಗಲ್ಲು ವೀರಣ್ಣ ಕೀ ಭೀಷಣ ಸಡಕ್ ಹಾದಸೆ ಮೇ ಮೌತ್ ಹೋಗಿ ನಾಡೋಸ್ ಬೆಲ್ಗಲ್ಲು ವೀರಣ್ಣ 91 ವರ್ಷ ಆಯು ಕೆ ಥೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೇ ರವಿವಾರ ಸುಬಹ ಕಾರ್ ಸೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಾತೆ ಸಮಯ ಈ ಹಾದಸಾ ಹುವಾ ಕಾರ್ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೋಕರ್ ಪಲಟ್ ಗಯಿ ಕಾರ್ ಮೇ ಸವಾರ
बेलगल्लू वीरन्ना का बेटा हनुमंतप्पा भी घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना तालुका थाना क्षेत्र की है। रंगमंच कलाकार बेलगल्लू वीरन्ना बल्लारी निवासी हैं। नाडोज बेलगल्लू वीरन्ना ने अमेरिका सहित विभिन्न देशों में कठपुतली शो का प्रदर्शन किया है। मूल रूप से कठपुतली कलाकार बेलगल्लू वीरन्ना एक दुर्लभ कलाकार थे जिन्होंने 7 महासागरों के पार भी कठपुतली की महिमा बढ़ाई है। श्री रामंजने का कठपुतली कला मेला बनाकर शहर से शहर, राज्य से राज्य, देश से देश में भ्रमण किया है। उनके निधन से प्रदेश का कला जगत शोकाकुल है। वीरन्ना बड़ी संख्या में प्रशंसक और परिवार के सदस्यों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जिले के गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में डेरा डालेंगे। पीएम को चेहरा और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को पोस्टर बॉय बनाकर चुनाव मैदान में उतरी पार्टी ने प्रचार को मुख्य रूप से इन्हीं दो चेहरों पर केंद्रित किया है। इस कार्यक्रम में पार्टी ने पीएम की कम से कम 20 तो येदियुरप्पा की 50 से अधिक जनसभाएं कराने की योजना बनाई है। राज्य में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए पार्टी ने दलितों में मड़ीगा व कलीगा के एक समूह को साधने की रणनीति बनाई है। मुंबई सरकार ने मार्च में दलितों का शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण की सीमा को 15 से बढ़ाकर 17 करने के बाद आरक्षण का आंतरिक बंटवारा किया था। इसका सर्वाधिक लाभ मड़ीगा को मिला है जिसकी 17% दलित आबादी में 6% हिस्सेदारी है। सरकार बनने के बाद से ही पार्टी ने मंत्रालय व संगठन में ओकलिगा समुदाय को विशेष तरजीह दी है। राज्य में दलितों को कांग्रेस का तो ओकलिगा को जेडीएस का परंपरागत मतदाता माना जाता रहा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद तेलंगाना कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने यह जानकारी दी है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की सभी शाखाएं एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा और अन्य संगठन इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ किया जाएगा। रेड्डी ने बताया कि 8 अप्रैल को मंचरियाल में सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा जिसका नेतृत्व बत्ती विक्रमार्का करेंगे। इसके बाद 10 से 25 अप्रैल तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रदेश भर में निकाली जाएगी जिसमें राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराने को मुद्दा बनाया जाएगा। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार।
पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि यह हिंसा सुनियोजित तरीके से हो रही है और उन्होंने इसका आरोप भाजपा पर लगाया है। संजय राउत ने कहा कि बंगाल में भाजपा सुनियोजित तरीके से हिंसा करा रही है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या जहां भाजपा को हार का डर रहता है या फिर जहां भाजपा कमजोर है वहां दंगे होते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी के दिन शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अभी तक थमी नहीं है। बिहार का नालंदा, सासाराम और पश्चिम बंगाल का हावड़ा और हुगली दंगे की आग में झुलस रहे हैं। पुलिस ने बिहार में हिंसा के मामले में 187 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में अभी तक हिंसा के मामलों में 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान सरकार से 12 के अनुमंडल छाबड़ा को स्वतंत्र जिला घोषित करने की मांग को लेकर रविवार को भाजपा के 3 पार्षद यहां पानी की टंकी पर चढ़ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले महीने राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। 2008 के बाद ये पहली बार था कि राजस्थान में नए जिले बनाए गए, जिससे राज्य में जिलों की संख्या 50 हो गई। छाबड़ा नगर पालिका के पार्षद विपिन शर्मा, रोहित अरोड़ा और मनमोहन सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। तीनों ने करीब 2 घंटे तक कृषि उपज मंडी परिसर में लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग की पानी टंकी पर चढ़ रहे और छाबड़ा के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तहसीलदार मुकेश मीणा और छाबड़ा थाने के SHO राजेश कुमार के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारी पार्षद नीचे उतरे और अधिकारियों को गहलोत को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें छाबड़ा को नया जिला घोषित करने की मांग की गई है। भाजपा नेताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक मंच पर वो कह रही हैं कि गधी के दूध का बना साबुन औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। वो कहती हैं कि एक बहुत मशहूर रानी होती थी क्लियोपेट्रा, वो गधी के दूध से नहाती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो में मेनका गांधी कहती हैं, दिल्ली में गधी के दूध का साबुन 500 रुपए में बिकता है, क्यों नहीं हम लोग बकरी के दूध का और गधी के दूध का साबुन बनाएं। उन्होंने आगे कहा, कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए, उनकी संख्या गिर रही है, धोबी ने भी गधों का उपयोग करना बंद कर दिया है। लद्दाख में एक समुदाय है जिन्होंने देखा कि गधों की संख्या घट रही है, इसलिए उन्होंने गधी का दूध दोहना शुरू किया और उसका इस्तेमाल साबुन बनाने में किया। गधी के दूध से बना साबुन औरत के शरीर को सदा सुंदर बनाए रखता है। इंदौर बावड़ी हादसे पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई आज शुरू की। इसने नगर में स्थित इस मंदिर में 30 मार्च को रामनवमी पर हवन के दौरान फर्श धंसने से 21 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 36 श्रद्धालुओं की बावड़ी में गिरने से मौत हो गई थी। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए आज मौके पर नगर निगम और पुलिस का बड़ा अमला पहुंचा, जिसके बाद मंदिर के अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान हंगामा या उपद्रव न हो, इसलिए भारी फोर्स भी यहां लगाई गई। मंदिर के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 5 से अधिक पोकलेन और JCB की मदद ली गई। नगर निगम उपायुक्त, DM और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए 4 थानों की फोर्स भी लगाई गई है। नगर निगम के अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन ने बताया कि इस बावड़ी को पूरी तरह बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बावड़ी के आसपास से अतिक्रमण को हटाया गया है, साथ ही बावड़ी को JCB द्वारा इसी मलबे से भरा जा रहा है। बावड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि अब दोबारा इसे जीवित नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खत्म करने के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित एक मशाल रैली के दौरान मंच टूट गया, जिसके बाद उस पर चढ़े सभी नेता और कार्यकर्ता नीचे गिर पड़े। इसके एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोगों की भारी भीड़ का बोझ मंच संभाल नहीं सका और टूट गया। बहरहाल इस घटना में किसी को कोई खास चोट नहीं आई है। मंच टूटने के बाद कुछ देर के लिए तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, मगर थोड़ी देर में मामला शांत हो गया। राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में सूरत की एक लोकल कोर्ट ने उनको 23 मार्च को दोषी करार दिया था। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल और 15,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनको संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मामले में दोषी ठहराए जाने को आज सूरत की सत्र अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है।
जिसके लिए राहुल गांधी आज सूरत जाने वाले हैं। अब वक्त है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है, देखते हैं अन्य समाचार। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन भड़की सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद कई घटनाओं की धमक सोमवार को बिहार विधानसभा में महसूस हुई। बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर दिखी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विफल कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर इस्तीफा देने की मांग की। बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के शुरू होते ही रामनवमी पर हुए हंगामे का मुद्दा उठाया। पार्टी विधायकों ने हिंसा को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए और खूब हंगामा किया। पार्टी ने प्रदेश में जंगल राज रिटर्न्स का आरोप लगाया। सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी नेता वेल ने उतर कर हंगामा करने लगे। इधर हंगामा बढ़ते देख विधानसभा स्पीकर अवैध बिहारी चौधरी ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तमिलनाडु में एक डांस अकादमी में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर को एक पूर्व छात्रा द्वारा की गई यौन शोषण की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। चेन्नई के कला क्षेत्र फाउंडेशन की लगभग 90 छात्राओं ने राज्य महिला आयोग से इस प्रोफेसर पर यौन शोषण, गाली गलौज के आरोप लगाए हैं। चेन्नई के कला क्षेत्र फाउंडेशन में नृत्य की शिक्षा देने वाले हरि पद्मान को सोमवार सुबह चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया। कथित रूप से प्रोफेसर द्वारा किए जा रहे यौन शोषण और गाली गलौज की वजह से कुछ साल पहले कला क्षेत्र फाउंडेशन से अपना स्नातकोत्तर कार्यक्रम बीच में छोड़ गई पूर्व छात्रा ने मीडिया को बताया। एक बार उन्होंने यौन संबंध बनाने की मांग की थी। उन्होंने मुझे अपने घर आने के लिए कहा था और कहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। पूर्व छात्रा ने कहा, मेरे इनकार करने पर वो मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने एक डांस में अहम भूमिका से मुझे अलग कर दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शाम को बिदर में पिस्ता हाउस मल्टी कजिन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी का बिदर के पूर्व विधायक रहीम खान के हाथों हुआ उद्घाटन। रविवार शाम को बिदर के स्टार कॉलोनी में स्थित इमानुएल मेथोडिस्ट चर्च की ओर से फार्म संडे के नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में डालेंगे डेरा, होंगी 20 रैलियां। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के खिलाफ तेलंगाना में बड़े पैमाने पर विरोध की तैयारी, कांग्रेस ने बनाई रणनीति। जहां जहां भाजपा को हार का डर, वहां हो रहे हैं दंगे, शिवसेना नेता संजय राउत ने लगाया आरोप। इंदौर के मंदिर पर चला बुलडोजर, जहां बौड़ी में गिरने से हुई थी 36 लोगों की मौत।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।